गच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका 58 नंबर 58 नंबर का श्लोक उस पर विचार कर रहे हैं कि न योगे न न सांख्ये न कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्म एकत्व बोधे न मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। न तो योग के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध अथवा जड़ ये हठ योग इनके द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं। सांख्य के प्रकृति पुरुष का विवेक कर्म यानी सकाम कर्म और सगुणोपासना इन सब के द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। फिर किसके द्वारा होगी? ब्रह्मात्मेकत्व बोधेन। ब्रह्मात्मेकत्व बोध के द्वारा ही मोक्ष की सिद्धि होगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये बात यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ एक शंका की कि जब ज्ञान के द्वारा ब्रह्मरूपता नई ब्रह्मरूपता की प्राप्ति होगी तब तो जन्य होने की वजह से अनित्य हो जाएगा, क्योंकि ये व्याप्ति गृहित है। जो जो जन्य होता है, कार्य होता है, विनाशी होता है। कोई भी कार्य है विनष्ट हो जाता है, तो ऐसे ये भी जन्य होने से विनाशी हो जाए तो बताए कि नहीं, ये पूर्व से पहले से ही ब्रह्म रूपता हमारी सिद्ध है, प्राप्त ही है, किंतु अज्ञान से आवृत होने की वजह से ढका हुआ मालूम पड़ रहा था। लेकिन जब आत्म साधना किए आवरण हटने से उस ब्रह्म रूपता की अभिव्यक्ति हो गई। जैसे उदाहरण दिए कि कर्ण जो है कुंती का पुत्र थे, पहले से ही बाल्यावस्था से जन्म से ही कुंती के पुत्र है, लेकिन राधा के द्वारा पोषित होने की वजह से अपने आप को कौंते नहीं मान के राधे मानने लगे, राधे मानते रहे बड़े लंबे समय तक, है ना। कल बता दिया 85 साल की आयु तक। 85 साल मतलब वो महाभारत में उस समय वृद्धावस्था नहीं युवावस्था ही थी, क्योंकि उस समय आयु ज़्यादा थी ना। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष में शरीर छोड़ के गए तो भी युवक ही थे, कोई बूढ़े नहीं हो गए थे। इतने लंबे समय तक वो अपने आप को कौनते ही मानते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना माता कुंती का वाक्य तो कोई नया कौनतेयत्व तो नहीं प्राप्त कर ली, बल्कि अज्ञात ही कौनतेयत्व को उन्होंने जान लिया। ये बात जैसे वहाँ आई ऐसे यहाँ भी जानना, मोक्ष रूपता ब्रह्म रूपता पहले से ही सिद्ध है, जानता नहीं है, बस यही अंतर है। ज्ञान और अज्ञान दशा में इतना ही अंतर है। ज्ञान होने से उस ब्रह्म रूपता वो प्रकट हो जाती है, वो स्पष्ट रूप से भान हो जाता है, और जब तक अज्ञान है नहीं जान पा रहा है, और अज्ञान होने से नाना प्रकार के अनर्थ अनुभव कर रहा है। एक ही वस्तु अज्ञात है तो नाना प्रकार के कष्ट देती है, और वही ज्ञात हो गई तो सारा कष्ट दूर हो जाता है। इसमें बहुत से उदाहरण आते हैं, ये आप लोग कई बार सुने हैं। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं कि जान करके जो है वह सुखी हो गए, हाँ इसी बात को दिखा रहे। यथावा श्री रामेण, भगवान राम वो तो परब्रह्म ही है, विष्णु भगवान के अवतार है, उन्होंने माया से मनुष्य रूप धारण किया, अज्ञानियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो वो जो है आत्मानं मानुषे मन्ये रामं,
मैं तो अपने आप को मनुष्य मानता हूँ, राम मैं राम हूँ, दशरथ दशरथ पुत्र राम हूँ, दासरथी राम, दशरथ के नंदन राम, इत्यादि अनुसारेण, इत्यादि जो वाक्य उन्होंने बोला उसके अनुसार तो स्वात्मानं मनुष्यं मन्येन, अपने आप को जो मनुष्य मानने वाले हैं भगवान श्री राम, उनको फिर जो है ब्रह्मा जी ने उपदेश किया, एक श्रृंगो वराहस्त्वम, हे राम तुम मनुष्य नहीं हो, तुम एक श्रृंगो वराह, वराह अवतार में जैसे विष्णु भगवान वराह, वराह मतलब विष्णु भगवान, वराह अवतार लिए थे ना एक श्रृंग वाले, तो जो सुवर वराह होते हैं उसको एक श्रृंग निकलती है इधर, तो एक श्रृंग वाले तुम वराह यानी वो विष्णु भगवान हो, इत्यादि परमेष्ठी वाक्य ही, परमेष्ठी ब्रह्मा जी के वाक्य से महाविष्णु रेव तुम विष्णु महाविष्णु ही हो, तुम मनुष्य नहीं हो, इति बोधिते न, ऐसा जब उन्होंने बोध कराया तो स्वस्वरूपम ज्ञातम, भगवान रामचंद्र जी ने अपने स्वरूप को जान लिया। तत्र अविद्यमानम महाविष्णुत्वम आगतम, ना तत्र अविद्यमानम, ऐसा नहीं कि विष्णु नहीं थे, वो विष्णु ही थे, विद्यमान पहले से ही था, तो कहीं से नया नहीं आया, अपितु स्थितम अभिव्यंजितम, विष्णु रूपता पहले से स्थित है। तो जब ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया तो उसका स्मरण हो आया, स्मरण हो गया, अभिव्यंजक उसकी अभिव्यंजना हो गई, अभिव्यक्ति हो गई। तद्वच्च इति ज्ञेयम्, उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिए, परब्रह्म रूपता पहले से ही है किंतु ज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी, बस इतना ही जो है अंतर है, पहले अभिव्यक्ति नहीं थी अभी अभिव्यक्ति हो गई। तथा च उत्पाद्याप्य संस्कार विकार्याणाम अन्यतमस्य कर्म फलत्वं दृष्टम्। देखिए कर्म फल जो होता है विनाशी होता है, और कर्म फल चार प्रकार का होता है, आप लोग पुराने लोग तो जानते ही है, जो नए श्रवण करने वाले वो भी समझ ले। यहाँ देखिए दिया टीका में उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार्य, संस्कार्य विकार्य, कुछ फल ऐसे होते हैं जो उत्पन्न होते हैं, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है उत्पन्न होता है, कपड़ा बनाए तंतु आदि जोड़ करके उत्पन्न हुआ, कई कार्य ऐसे होते हैं जो उत्पन्न होते हैं, उनको उत्पाद्य कहते हैं, उत्पत्ति रूपी क्रिया करेंगे तो उत्पन्न होंगे, जैसे जो फैक्ट्री नाना प्रकार की है उसमें वहाँ पे नई नई चीज़ें बन रही है तो उत्पाद्य उनको कहते हैं उत्पाद्य। और एक होता है आप्य, वस्तु पहले से ही है लेकिन आप उसको लाना पड़ेगा, जैसे गंगा जी में जल पहले से ही है, हरिद्वार आए प्रयागराज आए तो आप जो है एक केन में भर के लेके जाओगे, तो कोई गंगा जी जल किसी फैक्ट्री में बनेगा नहीं बल्कि अब पहले से ही है, उसको आप लेके जाओ। अथवा देखिए गाम दोग्धी पय, गाय से दूध निकालते हैं, गाय से दूध निकालता है, दूध वह उसके स्तन में पहले से ही है, उसको दोहन क्रिया करके जो निकालने वाला है ग्वाला वो निकाल देता है। मंत्र इसी प्रकार गुरु से मंत्र प्राप्त करते हैं, सब आप्य इनको कहते हैं आप्य, कोई चीज पहले से है उसको आप प्राप्त करेंगे, आपती क्रिया के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। तीसरा होता है संस्कार्य, संस्कार करना, अब संस्कार भी दो प्रकार का होता है ये भी समझ लेना, एक तो गुणाधान दोष को निकालना और गुण का आधान करना, ये दो प्रकार का संस्कार है ना, मलापनयनम गुणाधानम, जैसे कपड़ा गंदा है कपड़े में साबुन वबुन लगा करके उसके मैल को आपने निकाल दिया, और मैल को निकालने के बाद लोग जो है थोड़ा सेंट ओंट मार लेते हैं, तो दोनों देखो मलापनयन गुणाधान, मल यानी कचरे को निकाला और गुण यानी कुछ सेंट ओंट, इसी प्रकार आप संध्या वंदन सुख प्रातः काल पूजन में बैठते हो तो जरा सा जल लेकर के ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा यह परे स्मरित पुंडरी काक्षं
सबाह्याभ्यंतर शुचि। ऐसा मंत्र बोल करके जब अपने आप ऊपर छिड़क लेते हो तो क्या क्या आ जाता है, शुद्धि। यही है संस्कार, कहते संस्कार। तो संस्कार हो गया शरीर आदि, है ना। जल जो है सीटा मंत्र पढ़ करके जल छोड़ दिए, संस्कार हुआ, संस्कार। ये तो दो प्रकार का संस्कार, मल को हटाना, गुण का आधान करना, और चौथा होता है विकार। ये दूध में दही गर्म करके दही डाल दिए तो दूध का दही बन गया, ये विकार हो गया, विकार्य। दही है विकार्य। तो चार प्रकार के क्रिया के फल होते हैं, उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य और विकार्य। इनमें से चार में कोई एक, अन्य तमस्य कर्म फलत्वम दृष्टम, कहीं पे भी क्रिया करके जो चीज आपको मिलेगी, चार में से कोई न कोई एक ही एक रहेगी। ये आप हर जगह घटा सकते हैं, है ना, हर जगह आप घटा लीजिए। या तो उत्पन्न होगा, या तो पहले से है तो उसको जाके प्राप्त करोगे। जैसे सब्जी जाके बाजार में खरीदने जाओगे, और जो उत्पन्न करने वाला उत्पन्न करता है, उत्पाद्य है, आप्य है, है ना। इसी प्रकार हम लोग अच्छा सा फ्राई कर देंगे, वो संस्कार हो गया। तो इस तरह से हर एक कोई भी जो है क्रिया से जो जो चीज उत्पन्न होती, इन चार में से कोई ना कोई एक रहेगी, या तो उत्पाद्य हो गया, या आप्य हो गया, या संस्कार या विकार। अन्य तमस्य कर्म फलत्वम दृष्टम, जैसे उदाहरण या स्वयं दे, यथा स्वर्ग फल फल स्वर्ग से यागोत्पाद्यत्वम, स्वर्ग जो है याग के द्वारा आपको मिल जाएगा, आपके लिए उत्पन्न हो गया, पहले से ही भले है लेकिन आपको मिल गया, उत्पन्न हो गया आपके लिए। और शब्द राशि रूप वेद से अध्ययनाप्यत्वम, शब्द राशि रूप वेद है, गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किए तो हमें प्राप्त हो जाएगा, आप्य हो गया। ब्रीहीणाम प्रोक्षणादि संस्कार का संस्कार्यत्व, ब्रीही के ऊपर याग करने के लिए ब्रीही है, उसके ऊपर थोड़ा सा जल का छींटा छोड़ेंगे, प्रोक्षण करेंगे, संस्कार हो गया, उसे कुछ नया है नहीं आएगा, संस्कार हो जाएगा। और अवघात आदि भी वैतुष्य संपादन द्वारा विकार्यत्व तेषाम, अवघात यानी मूसल से, पहले गाँव में माताएं जो है मूसल से वो मार मार करके वो भूसी अलग कर देती, अभी तो मशीन से सब जगह हो गया, मशीन से हो। तो ये इसको कहते हैं अवघात, अवघात करके वैतुष यानी भूसी को अलग करके उसमें से चावल को निकाल लेना, ब्रीही में से, ब्रीही यानी धान, उसमें से चावल निकाल लेना, तो विकार्य हो गया। तो देखिए, लेकिन जो जो मोक्ष है ना, इन चारों में से कोई एक नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी कर्म का फल नहीं है। देखो इसी को दिखा रहे, तत्र नित्यत्वात् नोत्पाद्यत्व मोक्षस्य, मोक्ष तो नित्य है इसलिए उत्पन्न नहीं हो रहा है, उत्पन्न होता है मोक्ष ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो नित्य है। और आत्मस्वरूपत्वात् अनाप्यत्वम, ये तो हमारा ही स्वरूप है, कहीं जा करके के नहीं कि कहीं दूर जा करके मिलेगा, ब्रह्मलोक जाएंगे तभी आत्मा मिलेगी, स्वर्ग चले जाएंगे तब, कहीं जा के नहीं प्राप्त करना है। जहाँ ज्ञान, आप जहाँ भी रहो, ज्ञान होते ही अपनी ब्रह्म रूपता का अनुभव होगा, ये कहीं जा करके आत्मा को नहीं प्राप्त करना है। इसलिए आत्मस्वरूपत्वाद अनाप्यत्वम, हमारा ही स्वरूप है, इसलिए कहीं जो है कहीं दूर नहीं है, सदा ही प्राप्त है। और नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपत्वाद, नित्य शुद्ध ब्रह्म रूप है, इसलिए न संस्कार्यत्वम। अब उसका क्या संस्कार करोगे, जो सबसे ज्यादा संस्कृत है, जिससे ज्यादा शुद्ध कोई हो ही नहीं सकता, उसका आप क्या संस्कार करोगे बताओ, उससे ज्यादा कोई शुद्ध है ही नहीं। और निर्विकार ब्रह्म स्वरूपत्वात् निर्विकार्यत्वम, वही जो मोक्ष है निर्विकार ब्रह्म रूप है, उसमें कोई विकार नहीं कर सकते कुछ करके, इसलिए न तो मोक्ष उत्पाद्य है, न आप्य है, न संस्कार्य है, और न ही विकार्य है। तो चार प्रकार के कर्म का फल यह नहीं है, इसलिए नित्य है, सदा प्राप्त है। एतत्तु समन्वय सूत्र भाष्ये विस्तरेण उपपादितम भगवत पादे ही, इस बात को अगर विस्तार से देखना चाहो तो ब्रह्म सूत्र में चौथा सूत्र शुरुआत का है, तत्तु समन्वयात्,
उसमें बताया वो जो ब्रह्म है वेदांत से स्वतंत्र रूप से ज्ञात होता है, उपासना के अंग रूप से अथवा कर्मांग रूप से। वेदांत में आत्मा का प्रतिपादन नहीं किया गया है, स्वतंत्र रूप से प्रतिपादन किया गया है। ते समन्वय, तो अब सभी श्रुतियाँ जो है उसी परमात्मा का ही कथन कर रही, सभी श्रुतियों का समन्वय उस अद्वितीय ब्रह्म में ही हुआ है। तो न उत्पाद्य है, न आप्य, न विकार्य, न संस्कार्य, ये बात वहाँ चौथे सूत्र में ब्रह्म सूत्र में आया है। अतः कर्म फलत्व व्यापक उत्पाद्यादि अन्यतम धर्माभावा। तो जब देखिए कर्म फलत्व का, कर्म फल चार प्रकार का है, उत्पाद्य, आप्य, विकार्य, संस्कार्य, चारों में से जब एक भी नहीं सिद्ध हुआ तो मतलब इसके इस कहने का मतलब यही है कि कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती। अगर कर्म से मुक्ति होती तो कर्म का फल चारों में से एक होना चाहिए। भाई पांडव में से कोई एक होगा तो या तो अर्जुन होगा, या तो युधिष्ठिर होंगे, भीम होंगे, अर्जुन होंगे, नकुल होंगे, या सहदेव होंगे, इनमें से कोई एक होगा तभी कहोगे पांडव है, पांडु पुत्र है। अब पांचों से अतिरिक्त कोई है तो उसको पांडु पुत्र नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही कर्म का चार प्रकार का जब फल है, चारों में से कोई एक भी नहीं है मोक्ष, मतलब कर्म से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ये बात सिद्ध हो। विद्याम च अविद्याम च विद्या तदारोहंती। तो बोले नहीं, कहीं कहीं आया ईशावास में आया है, विद्या और अविद्या दोनों की जो साथ में उपासना करता है, विद्या से अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति कर लेगा, वहाँ कर्म समुचित कहा गया है। बोले नहीं, वहाँ जो विद्या शब्द है, विद्या का अर्थ है उपासना, तो मतलब वहाँ पे उपासना कर, अविद्या से मतलब शास्त्रीय कर्मों को करेगा, ये जो स्वाभाविक प्रवृत्ति थी कुछ भी उल्टा सीधा कर लेता था उससे बच जाएगा, वो भी मृत्यु थी, और उपासना करेगा तो चित्त का एकाग्र हो जाएगा, अथवा उपासना से जो है एक क्रम मुक्ति मिलेगी, क्रम से मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ उपासना, उपासना विद्या शब्द का अर्थ वहाँ उपासना है। अतः विद्या पद से आत्मविद्या व्यतिरिक्त अपर विद्यार्थ, इसलिए वहाँ विद्या का पद का अर्थ आत्मविद्या से अतिरिक्त अपर विद्या, अपर विद्या मतलब उपासना, वो अर्थ है। तया ब्रह्म स्वरूपावस्थान लक्षण मोक्ष न सिद्ध्यति। इसलिए श्लोक में जो विद्या यानी सगुणोपासना, उससे ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हो जाना रूपी मोक्ष, यह कभी सिद्ध नहीं हो सकता, मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलेगी, ये बात जो है बता दिए। ये श्लोक नंबर 58 पूरा हुआ, इसका थोड़ा लंबी टीका थी लेकिन कई सारभूत बातें बताई गई। आगे देखिए, ब्रह्मा ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन एव मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। जीव ब्रह्म की एकता को जानेगा तभी मुक्ति मिलेगी, अन्य प्रकार से मुक्ति नहीं मिलेगी, इस बात को जो बताए है। इति अमुम अर्थम दृष्टान्ते न विशदयति, इसी बात को दृष्टांत दे करके स्पष्ट कर रहे हैं कैसे जो है ये होगा। तो आप लोग जो है जरा श्लोक नंबर 59 उच्चारण जो है करिए। वीणाया रूप सौंदर्यं तंत्री वादन सौष्ठवम् प्रजारंजन मात्रं तन् न साम्राज्याय कल्पते। वीणा या रूप सौंदर्य, देखिए यहाँ बता रहे जैसे कोई एक वीणा है, सरस्वती माता वीणा वादिनी है ना, वीणा, कोई वीणा है बहुत सुंदर वीणा बनी हुई है, बहुत सुंदर है, और जो बजाने वाला व्यक्ति है तंत्री वादन सौष्ठवम, तंत्री यानी उस वीणा को बजाने में बड़ा सुष्ठु, बड़ा कुशल है, बहुत सुंदर वीणा बजा लेता है, है ना। इसलिए कई कई शास्त्रीय संगीत जब होता है नाना प्रकार के राग,
राग भैरवी घनाक्षरी केदारा नाना प्रकार के राग जब गायक लोग गाते हैं तो एकदम जो है समा बांध लेते हैं, आदमी ऐसा लगता है समाहित हो गया, सुन करके एकदम झूमने लगते हैं। तो यहाँ वीणा जो है बहुत रूप सौंदर्यम, वीणा बहुत सुंदर बनी हुई है और तंत्री उस वीणा को बजाने वाला वादन में सौष्ठव है, कुशलता है, बहुत सुंदर सुष्ठु बहुत अच्छा बजा लेता है। उससे उसको क्या मिलेगा? बोले प्रजा रंजन मात्रम तन, प्रजा का मनोरंजन हो जाएगा, जनता खुश होकर के थोड़ा 150 दे देगी और क्या दे होगा, उसकी जीविका के काम में आ जाएगा। न तत् साम्राज्य आए कल्पते, कोई सोचे कि वीणा बजा करके लोगों को मुग्ध करके सम्राट बन जाऊंगा, तो वीणा बजाने से कोई सम्राट नहीं बनता है, साम्राज्य की प्राप्ति राजपद की प्राप्ति नहीं होने वाली, उससे तो प्रजा का मनोरंजन होगा और प्रजा का मनोरंजन हो करके थोड़ा कुछ इसको आर्थिक लाभ मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। यह है दृष्टांत और इसका दार्ष्टांतिक अगले श्लोक में है, ये तो केवल दृष्टांत दिए और यहाँ क्या है, यहाँ भी ऐसे ही बताएंगे। बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े विद्वान हो गए, शास्त्र के ज्ञाता हो गए, अगर आत्मा को जानने में तत्पर नहीं हुए तो सबका सब बेकार हो जाएगी। ये दार्ष्टांतिक है, इसको अगले श्लोक में दिखाएंगे। देखिए इसको दे रहे हैं टीका में, प्रजराज रंजनात राग, राजा, राजा किसे, साम्राज्य, सम्राट जो हो राजा हो, राजा किसे कहते, रंजनात राजा, जो रंजन करे प्रकृति का जो है, प्रकृति यानी प्रजा को जो खुश रखे, राजा प्रकृति रंजनात, राजा उसे कहते जो प्रकृति यानी प्रजा को रंजन करे, उनका मनोरंजन खुश करे, खुश रखे, प्रजा खुश रहे तो उसे राजा, उसे राजा कहते हैं। इति उक्तानुसारेण तो राजा का वो अर्थ है। तब कश्चित वैणिका, वैणिका मतलब वीणा बजाने वाला, कोई जो वीणा वादक है और बहुत सुंदर वीणा लेके, रूपेण जन मनोहराम कांचित वीणा मादाय, रूप से जो है जो लोगों के मन को मोहने वाली है, ऐसी कोई बहुत सुंदर वीणा लेके आया और तत्तंत्री ही सुष्ठु वादयती, उस वीणा को तंत्री को उसके जो है वहाँ पे थोड़ा वो लगी रहती है ना, वो लोहे की वो वायर है, सब कुछ लगा रहता है, उसी को बजाना पड़ता है, बजाने वाले जानते होंगे, तो उस तंत्री को जो है बहुत अच्छा बजाता है। वादयती चेत, यदि बहुत अच्छा वीणा भी बहुत अच्छी और बजाता भी बहुत अच्छा है, तो यद्यपि रंजत रज्जन्ते प्रजा, यद्यपि उसको सुन करके लोग जो है उनका मन जो है मनोरंजन हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है, लोग झूमने लगते हैं, समाहित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सुंदर वीणा दर्शनेन सौष्ठवोपेतम तत्तंत्री वादनेन च, सुंदर वीणा के दर्शन से और बड़े सुंदरता से जो उसका वादन किया बजाया, उससे जो है क्या होती है, प्रजा सुनने वाले लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो गए, अरे वाह क्या जो है वीणा वादक है, बताओ कितना सुंदर बजाता है। अथापि तदरंजनम न वैणिक से साम्राज्य है कल सम्राट भाव है कल्पते, तो चाहे कितना भी सुंदर वीणा लिया हो, कितना भी सुंदर बजाता हो, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि तुमको हम भारत देश का प्रधानमंत्री बना दें, राजा बना दे, कोई ऐसा कहेगा कि प्रधानमंत्री तुम्हें, तुम बहुत सुंदर बजाते हो इसलिए प्रधानमंत्री बना दे, अथवा मैं अपना घर ही तुम्हें दे दूंगा, ऐसा थोड़ी कोई कहे। अरे भाई कुछ 150 दक्षिणा दे देंगे, कुछ ऐसे जो है पुरस्कार दे देंगे और क्या देंगे। तो तथापि तदरंजनम न वैणिकस्य साम्राज्याय यानी सम्राट भावाय कल्पति, वो जो रंजन प्रजा को खुश कर दिया उसको सम्राट बनाने के काम में नहीं आता। तद्वत इसी प्रकार आत्मैक्य बोधेन बिना, आत्जीव ब्रह्म की एकता को जाने बिना और कुछ भी कर लो, वह सब तो संसार व्यवहार
हाँ कहीं जो है बहुत ज्यादा लाभ नहीं करे। देखो योग शास्त्र आदि जन्य ज्ञानम वा कर्म वा उपासनम वा न साक्षात कैवल्याय कल्पते। योग शास्त्र आदि जन्य ज्ञान, बहुत सी योग साधनाओं को सीखा, बहुत सकाम भाव से कर्म किए, उपासना किए, न साक्षात कैवल्याय कल्पते, किसी से भी साक्षात मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वीणा या रूप सौंदर्य यानी सुंदर रूपोत्तम और तंत्रिया वादने सौष्ठवम शब्दों का अर्थ दिखा रहे। वैणिक वैणिक निष्ठ प्रजा रंजन मात्रम, तंत्री को बजाने में बड़ी सुंदरता है, वैणिक यानी वीणा बजाने वाले में रहने वाली जो प्रजा रंजन, वो साम्राज्य नहीं प्राप्त कराएगी। एक बार हम उज्जैन के पास एक गांव में रुके हुए थे अपने गुरुजी के साथ में, तो एक जो है थोड़ा खाली जगह में एक कमरा गांव वालों बना के रखे थे, तो हम लोग चार पांच महात्मा लोग रुके हुए हैं। अब सुबह सुबह देखा 4 बजे से ही कोई आदमी उधर गांव में बहुत बजाता था, 4 बजे से ही रोज़ रोज़ बजाने लग गए। तो हम लोगों ने पूछा एक दिन कि ये कौन बजाता है सुबह सुबह जो है सब घरों में जा जा के पहले वहाँ बजाएगा फिर वहाँ बजाएगा। हाँ तो पूछे कि कौन रहता है, तो लोग बताए कि महाराज ये बुंदेला लोग हैं, बुंदेला ये हरबोल आते हैं, हरबोल बोलते हैं ये बुंदेला लोग, ये घरों के सामने जा जा के 4 बजे से ही बजाने लगे और जब तक वो गेहूँ चावल आदि कुछ नहीं देंगे तब तक वो बजाते ही रहेंगे, चाहे 8 बज जाए 9 बज जाए, ऐसे वो लोग जिद्दी होते हैं। तो वह जो है अब देखिए उनका तो वही व्यापार है, वही धंधा है, वही मतलब जीविका का साधन है, वो घरों के सामने जाके वही वहाँ की परंपरा है 4 बजे रात, जैसे वो लोग घूमते रहे, कभी इस गाँव में गए कभी उस गाँव में गए कभी उस गाँव में गए, तो 4 बजे सुबह से ही जो है वो वहाँ जाके बजाने लग गए और जब तक नहीं देंगे चावल गेहूँ आदि वो तब तक वहाँ से जाएंगे, वो बुंदेला लोग ऐसे होते। तो यही बात है कि ये सब से चीज़ों से कोई साम्राज्य नहीं मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जीविका की प्राप्ति हो जाएगी। इत्यर्थ ये तो दृष्टांत हुआ। अब आगे देखिए आगे दार्ष्टान्तिक बता रहे हैं। केवलम शब्द श्रवण मात्रेण मनोरंजक विषय कथयित्वा, केवल जो है शब्द श्रवण मात्र से फिर मनोरंजक विषय में कथन करके अर्थ तो पिए मनोरंजन, अर्थ से भी जो मन को रंजन कर लेते हैं तेषाम अपि है ना, जो मन जो है उनका खुश हो गया सुनकर अर्थ मनोरंजक विषय में कथा करके अथवा सुन आदि करके जो मन को खुश कर लिए, दूसरे का मन खुश कर दिए, तेषाम अपि पूर्वोक्त ज्ञानाभावे, उनको भी अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान नहीं हुआ, शास्त्र चाहे कितना भी पढ़ लो, पूरी गीता रट लो, पूरा ब्रह्म सूत्र आपको याद हो, बहुत जो है आप तैयारी हो, शाब्दिक ज्ञान आपके पास बहुत ज़्यादा, अगर तत्परता नहीं आई तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा भोग दे सकता है, मुक्ति तो नहीं दे सकता है ना। तत्पर इसलिए वहाँ बताए गीता में तत्पर होना चाहिए, संयतेंद्रीय होना चाहिए, ये सब बातें बताई। तो तत्परता होनी जरूरी है। क्या तत्परता? मुझे आत्मा की ही प्राप्ति करनी है, दूसरा मेरा कोई लक्ष्य नहीं, इस तरह से तत्परता होनी चाहिए। इसलिए चाहे कितना भी बड़ा विद्वान है, देखो विद्वानों की भी यहाँ निंदा कर रहे हैं कि विद्वान सोच ले कि कोई हम गीता याद कर लिए बहुत बड़ा जो है व्याख्यान कर सकते हैं, ब्रह्मसूत्र हमें याद है सब बहुत व्याख्यान दे सकते हैं, शास्त्रार्थ में कोई हमें जीत नहीं पाएगा। ये जो है विद्वत्ता जो है अगर आदमी में तत्परता नहीं है तो बेकार ही है, इसको दिखा रहे। केवल हम शब्द श्रवण मात्रेण, शब्द को श्रवण करके फिर मनोरंजक विषय में कथन करके, अर्थ तो पिए मनोरंजयति, अर्थ से भी जो है मन को जो रंजन कर दे, मन को जो है समाहित कोई जो है दूसरे को अच्छा लगे, तेषाम अपि पूर्वोक्त ज्ञानाभावे, अगर उनको भी जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं मिलेगी, नैव मुक्तिरित्याह। इसलिए विद्वानों को भी भगवान भाष्यकार सावधान कर रहे, सावधान हो जाओ,
श्लोक नंबर 60। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यं विदुषांग तद्वत् तद्वत् भुक्तये न तु मुक्तये। वाग वैखरी शब्द झरी, वैखरी वाणी। देखो वाणी चार प्रकार की होती है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। एक तो है परा वाणी, जैसे कोई बीज है भाई, बीज रखे हो, बीज दशा एक अलग होती है। फिर आप उसको कृषि भूमि में डाले, पानी ओनी दिए, थोड़ा सा फूल गया, फूलने के बाद थोड़ा जो है वो फूल जाने के बाद थोड़ा अंकुर ऐसा जगह बनेगा, इसके बाद वो अंकुर निकलेगा। चार अवस्थाएं समझना। ऐसे सबसे पहले मूलाधार चक्र से चलेगा वाणी, जब बोलोगे ना तो मूलाधार चक्र से वहाँ से चलेगा, फिर जो है आएगा मणिपुर चक्र में, कोई कोई मणिपुर चक्र से कहते हैं। तो जो वहाँ पे है ना, जो पहले चला परावाणी, वहाँ शब्द और अर्थ का संबंध नहीं है। फिर आगे जो है शब्द अर्थ की अभिव्यक्ति दोनों का, फिर आ करके जब ये अनाहत चक्र में, हृदय में आ करके, वहाँ पे शब्द और अर्थ का संबंध बन जाएगा। फिर वही वाणी जब निकलेगी तो उसको वह पहले जब चली परावाणी, फिर पश्यंती, इसके बाद कहते पश्यंती वाणी, और तीसरी होती मध्यमा, हृदय में जो शब्द और अर्थ का संबंध हो गया पूरी तरह से, और आगे जब हम मुंह से जो निकाल रहे हैं उसको कहते वैखरी वाणी, जो बिखर जाती है ना चारों तरफ, खूब बोल रहे तो बाहर निकल रही, इसको वैखरी वाणी बोलते। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। तो मनुष्य लोग तो भगवान का, हम लोग तो वैखरी वाणी का ही अनुभव कर रहे हैं, वैखरी वाणी का ही। वैसे योगी लोग जो है वो सूक्ष्म, कहीं कहीं कोई महात्मा जी एक बता रहे थे, तो सामान्य मुझे सामान्य रूप से तो पता है, और कोई विशेष रूप से तो ज्ञान नहीं। ये वैखरी वाणी जो हम बोल रहे हैं वैखरी वाणी, और अंदर जो है परा पश्यंती मध्यमा ये रहती है। ये जो वाग वैखरी वैखरी वाणी है, जो हम लोग शब्द प्रयोग कर रहे हैं, शब्द झड़ी, शब्द की झड़ी लगा दिए, बोलने लग गए तो कोई सामने टिक ही नहीं पा रहा है। बहुत सुंदर व्याख्यान दिए, गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र किसी पे भी बड़ा सुंदर व्याख्यान दे दिए। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्र की व्याख्या में जो कुशलता है, अत्यंत कौशल है। तो वैदुष्य विदुषाम, विदुषाम वैदुष्यम, ऐसा जो विद्वानों का वैदुष्य है, विद्वत्ता है, विद्वानों का ये जो शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र का व्याख्या की के व्याख्यान करने की कुशलता, वाणी की झड़ी लगा दी, बड़ा जो है सुंदर कोई कोई बोल लेते हैं। एक बार एक कथाकार बोल रहे थे कि मैं बोलने लगूँ तो कोई चू तक आवाज़ नहीं करेगा, इतना वो बोल रहे थे। मैं जब बोलने लगता हूँ तो कोई बीच में एकदम चू भी नहीं बोल सकता, मतलब इतना सुंदर वो व्याख्यान देते हैं, ऐसा वो बता रहे। तो ऐसे जो है ते विद्वानों का ये जो शास्त्र व्याख्यान की कुशलता, विदुषाम वैदुष्यम, विद्वानों की विद्वत्ता ज्ञान। तो तद्वत, तद्वत जैसे मतलब ऊपर दृष्टांत दिखाए, जैसे वो बीड़ा बजाने वाले को थोड़ा सा भोग मिला, थोड़ा सा कुछ जीविका मिल गई, ठीक इसी प्रकार अगर तत्पर नहीं है तो भुक्तये न तो मुक्तये, भोग तो देगी विद्वत्ता लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। भरण पोषण भले हो सकता है लेकिन मुक्ति मिलने वाली नहीं है, उसके लिए तो आपको तत्पर होना पड़ेगा, तत्पर होकर के साधना में लगना पड़ेगा। इसके बिना भोग तो मिलेगा किंतु मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर यही संसार चक्र में घूमते ही रहोगे तो विद्वत्ता भी बेकार चली जाएगी। इसलिए यहाँ भगवान भाष्यकार विद्वानों को भी सावधान कर दिए कि भाई आप भी सावधान हो जाओ, ऐसा नहीं करने लोगों को ही सावधान बनाते रह गए, खुद सावधान न हुए।
ये यहाँ पे सावधानी बता दिए। आगे देखिए टीका में, वाग बैखरी यानी सरल पद बंध विशिष्टा वाक, सरल पद बंध के से विशिष्ट वाणी, पद बंध जो पदों का समुदाय हम बोल रहे हैं ऐसी, उससे विशिष्ट जो वाणी, शब्द झड़ी, शब्द जो शब्दों की झड़ी लगा दिया, बहुत बोल, बहुत लगातार बोलते रहे, तो निरर्गल निर्गलंती वाक, निरर्गल यानी प्रतिबंध से रहित निकलने वाली जो वाणी है, यानी वाक प्रयोग चातुर्यम, वाणी के प्रयोग करने की चतुराई, बड़ा सुंदर बोलता है, शब्द प्रवाह और शास्त्र व्याख्यान कौशलम, और शास्त्र का व्याख्यान करने लग गए, बड़ा सुंदर जो है कई नए नाना प्रकार के अर्थ निकाल रहे हैं, शास्त्र से व्याख्यानम, शास्त्र का व्याख्यान किस प्रकार से होता है, देखो यहाँ ये बता रहे हैं, एक श्लोक आता है, व्याख्यान पांच प्रकार का होता है, पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेप से समाधानम व्याख्यानम पंच लक्षणम। पदच्छेद, पद अगर जुड़े हुए तो उनको अलग अलग कर देना, जैसे गीता में पश्यन श्रीवन स्पृशन जिग्रन नस्नन गच्छन स्वपन ससन विसृजन, हाँ उन्मिशन निमिशन, ये सब आया ना श्लोक, एकदम जुड़ा हुआ है तो उसको अलग अलग करो, अलग अलग करके बताना पड़ेगा, एक एक का पद का अर्थ क्या है, जैसे अभी आया कि तंत्री वादन सौत्सवम, तो तंत्री यानी वीणा, वीणा की जो तंत्री है वो तार, उसको बजाने का जो सौष्ठव कला, तो तंत्र्या वादन वादनम, वादने सौष्ठवम सुष्ठुता कुशलता, ऐसे यहाँ शास्त्र व्याख्यान कौशलम शास्त्र, देखो यहाँ पे पदच्छेद का पद, पद एक समास है, तो शास्त्र से व्याख्याने कौशलम, शास्त्र से व्याख्यानम यदि शास्त्र व्याख्यानम, और तस्य कौशलम उसमें जो कुशलता, शास्त्र के व्याख्यान करने में कुशलता, देखो पदा पदार्थ का पदच्छेद करना, अगर पद जुड़ा हुआ है तो उसको पदच्छेद करना, समास विग्रह आदि दिखाना, तो पदार्थ का कथन करना, अच्छा पदार्थों की आगे विग्रह दे, विग्रह आगे दे रहे, तो अगर विग्रह दे देना, समास आदि है तो विग्रह देना, और वाक्य योजना मतलब अन्वय करना, और आक्षेप का समाधान, जैसे अभी देखिए कल आया था कि अगर मुक्ति, आज भी शुरू में बता दिया कि अगर मुक्ति कर्म से अगर जन्य मानोगे तब तो अनित्य हो जाएगी, क्या बता रहा था, पांच प्रकार के ये है व्याख्यान, पदच्छेद करना, पद जुड़ा हुआ है तो उसको अलग अलग कर देना, पदार्थ का कथन करना, किस पद का क्या अर्थ है ये बताना, और विग्रह यानी समास विग्रह देना, समास विग्रह आदि देना, अथवा अन्य कोई वृत्ति है तो उसका विग्रह देना, और वाक्य योजना अन्वय करना, और जो आक्षेप हो, जैसे शंका कोई करेगा, कोई आक्षेप करेगा, उसका समाधान करना, तो व्याख्यानम पंच लक्षणम, पांच प्रकार का व्याख्यान होता है, इत्युक्त रीत्या शास्त्रार्थ कथने कौशलम, तीस रीति से जो पांचों प्रकार का व्याख्यान कर रहा है, शास्त्र का अर्थ करने में बड़ा कुशल है, प्रावीण्य है, ऐसी जो विद्वत्ता, एतादृशम विदुषाम वैदुष्यम अपि, ये जो विद्वानों का वैदुष्य है, तद्वत यानी वीणा वादनादिवत, जब वीणा वादनादि के समान भुक्तये यानी प्रतिष्ठा संपादनादि द्वारा भवत, भोग के लिए होगा, उसे क्या मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, कीर्ति बढ़ेगी, लोग बहुत सम्मान करेंगे और भोग्य पदार्थों को लाके समर्पित करेंगे, तो भोग ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए एक उदाहरण आता है कि एक बार दत्तात्रेय भगवान और जगत गुरु शंकराचार्य जी दोनों कहीं मिले, दोनों मिले, दोनों के बीच में सत्संग होने लगा, वो तो भगवान शंकराचार्य जी तो शंकर के अवतार है, और दत्तात्रेय जी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अवतार, तीनों की मिलित अवतार, इसलिए वो मिले कहीं पे, दोनों में सत्संग होने लगा,
तो फिर भोजन का समय हो गया। दत्तात्रेय जी बोले, चलो शंकर हम लोग भिक्षा करने चलते। तो वो एक दूसरी दिशा में चले गए, एक दूसरी दिशा में दोनों लोग भिक्षा करके आए। और भिक्षा करके आए तो जो दत्तात्रेय जी थे, दत्तात्रेय भगवान जी, उनको जो है सूखी रोटी मिली भिक्षा में, उनको भिक्षा में सूखी रोटी केवल मिली। और शंकराचार्य जी को जो है देखे, उनको हलवा पूड़ी सब, मालपुआ खीर सब मिला है, अच्छा अच्छा जो है भिक्षा मिली, मालपुआ खीर ये सब। दोनों फिर वापस भिक्षा लेके आए, उसी वृक्ष के नीचे आए। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, अरे भाई आपको इतना हलवा पूड़ी मालपुआ खीर कहाँ से मिला, मुझे तो केवल सूखी रोटी दिए हैं। तो उन्होंने बताया, देखिए मैं जब गया भिक्षा लेने के लिए तो मैं आनंद लहरी का पाठ कर रहा था, आनंद लहरी के श्लोकों को बोल रहा था। श्लोकों को बोलने से क्या लोगों को लगा कि बहुत बड़ा विद्वान है। अरे तो बहुत बड़ा विद्वान है, ये तो बहुत सम्माननीय पुरुष है, इसलिए इनको तो अच्छा भोजन देना चाहिए। इसलिए तुरंत लोग सब, कोई खीर लाया, कोई कुछ लाया। और दत्तात्रेय जी भगवान ऐसे ही चले गए, इसलिए उनको केवल सूखी रोटी मिली। तो उन्होंने कहा, देखो ये तुम्हारी विद्वत्ता का फल है, विद्वत्ता से जो है तुम्हें मिला, विरक्ति का फल नहीं है, विद्वत्ता का फल। तो मतलब विद्वत्ता से जो है भोग तो मिलेगा, अगर आत्मा को जानना है तो तत्पर होना पड़ेगा। विद्वत्ता चाहिए, शास्त्र ज्ञान तो कुछ होना ही चाहिए, शास्त्र तो थोड़ा अध्ययन करना ही पड़ेगा, बिना अध्ययन किए तो ऐसे ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, श्रवण आदि तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तत्परता बहुत जरूरी है, नहीं तो केवल भोग में ही रह जाएंगे। इसलिए कह दिए कि एतादृशम विदुषाम वैदुष्यम अपी तद्वत, यानी बीड़ा वादनादिव, जैसे बीड़ा बजाने वाला, उसको भोग तो मिला, साम्राज्य नहीं मिला, सम्राट नहीं बन गया वो, केवल भोग ही मिला। ऐसे ही भुक्तये यानी प्रतिष्ठा संपादनादि द्वारा भवत, प्रतिष्ठा यानी कीर्ति बढ़ जाएगी, लोग सम्मान करेंगे, भोग्य सामग्री लाके अर्पित करेंगे, तो भोक्ता यानी भोग के लिए होगी वो विद्वत्ता, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्तये तु न भवत, मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी? बोले भाई मुक्ति का कारण है आत्मज्ञान, तत्र पूर्वोक्त साक्षात्कार एव कारणम। मुक्ति में तो जो पूर्व में कहा गया, जीव ब्रह्म की एकता का साक्षात अनुभव करना, वही कारण है। विद्वत्ता केवल कारण नहीं, विद्वत्ता एक माध्यम बनता है। आप विद्वान है, विचार करने में कुशल है, उसका सही जगह पे सदुपयोग करिए। जैसे कोई चिकित्सक है, पढ़ ओढ़ लिया है, दूसरे की चिकित्सा करे, खुद बीमार पड़े खुद की भी चिकित्सा करे, अब खुद दवाई नहीं खाए तो उसकी बीमारी दूर नहीं होगी कभी। हाँ, इसलिए वो खुद को भी खाना पड़ेगा बीमार है तो, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो जाए। इसलिए मैंने सुना है कि कोई एक बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट थे, ये मैं सुनी हुई बात बता रहा हूँ, मैंने कहीं देखा नहीं, सुना हूँ, बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट थे और उनकी मृत्यु भी हार्ट अटैक से ही हुई, ऐसा सुना हूँ। वो उनकी मृत्यु हुई हार्ट अटैक आने से। क्या हुआ, को जो जा रहे थे, अब ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और ट्रैफिक जाम में उनकी गाड़ी फंसी हुई है, उसी समय उनको हार्ट अटैक आया और कहीं जा भी नहीं पाए। तो बड़े बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट थे, बहुत बड़े बड़े लोगों का उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन खुद भी हृदय घात से ही मृत्यु हुई। तो भाई देखो, परहेज तो करना ही पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, सावधानी से नहीं रहेगा, तत्परता नहीं रहेगी तो लाभ नहीं हो पाएगा। ये बात श्लोक नंबर 60 में बताया गया। आगे देखिए, ननु तात्कालिक सुख जनकम वैणय कौशलम क्व, श्रवणानंतरम अपि सम्यक अंत प्रविश्य आनंद हेतु भूतम विदुषाम वैदुष्यम क्व। बोले आप जो तुलना कर रहे हो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहावत है, कहाँ तो बताओ विद्वान, कहा वही डफली बजा रहा है, बीड़ा बजा रहा है, कहाँ तुलना कर रहे हो, दोनों में बराबरी क्या है।
देखो वही बता दे, तात्कालिक सुख जनकम वैणिक वैणिक कौशलम क्वा, यानी कहाँ कहाँ जो है तत्काल केवल सुख देने वाला वीणा बजाने वाले की कुशलता, ये तो बहुत छोटी चीज है। और श्रवणानंतरम अभी सम्यक, और श्रवण किया, श्रवण के अनंतर जो अंत प्रविश्य सम्यक अंत प्रविश्य आनंद हेतु भूतम विदुषाम वैदुष्यम को, अजय श्रवण के अनंतर जो अंदर हमारे हृदय में आ गया उसी का चिंतन कर रहे, कितना आनंद हो जाता है। ब्रह्मसूत्र के सूत्रों का जब पारायण करता हूँ तो बहुत आनंद आता है, ब्रह्मसूत्र के जो सूत्रों में उसका पारायण करते हैं तो बहुत आनंद आ जाता है। तो विद्वानों की विद्वत्ता को आप कितनी छोटा बता दिए बताओ, डफली बजाने वाले से तुलना कर रहे हो, वीणा बजाने वाले से, कहाँ छोटी सी बात कहाँ कितनी बड़ी बात। इसलिए इतना इतना जो है छोटे लोगों से तुलना मत करो। अतस तस्य तद्वत, इसलिए जो विद्वानों की विद्वत्ता वीणा बजाने वाले के जैसी है, इति वैणिक कौशल साम्यम न वक्तव्यम, वीणा बजाने की कुशलता के समान ही है विद्वानों की विद्वत्ता, ऐसा नहीं कहना चाहिए। विद्वानों की तो बहुत प्रशंसा होती है, कहीं एक श्लोक आया है ना, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ये श्लोक है ना, काव्य शास्त्र विनोदेन व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन च। विद्वानों का समय कैसे पास होता है, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र का जो है विनोद करेंगे उसी में, नाना प्रकार का विनोद, उसी का मतलब चिंतन करेंगे, काव्य बनाएंगे, विनोद करेंगे। और मूर्ख लोग क्या करेंगे, व्यसनेन व्यसन करते हुए समय बिता देंगे, निद्रया कलहेन च, कहीं सोते हुए जीवन बिता दिए, समय बिता दिए, कलहेन झगड़ा करने में ही बिता रहे हैं। भाई विद्वानों की कितनी महत्ता और आप डफली बजाने वाले से तुलना कर रहे हो, ये मुझे जम नहीं रहा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। इसलिए इतनी छोटे लोगों से तुलना मत करो मेरे भाई, ऐसा जो है पूर्व पक्षी का रखा रहती चेत। अतस्तस्य तद्वदिति वैणिक 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 मतलब वीणा बजाने वाला, उसके कौशल साम्यम न वक्तव्य न वक्तव्यम, विद्वानों की विद्वत्ता को वीणा बजाने वाले की कुशलता के समान इतना छोटा क्यों बनाते हो, इति चेत। तो यहाँ बता रहे सिद्धांति अस्तु एवं तत्रांतरम, चलो ठीक है दोनों में बहुत अंतर है, तत्र अंतरम दोनों में भेद है अंतर है, तो भी अथापि आत्मतत्व साक्षात्कारा भावे, समता हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आत्मतत्व का अगर साक्षात्कार नहीं होगा तो शास्त्राध्ययन ध्ययनम तज्जन्य कौशलम वा, ये जो शास्त्र का अध्ययन है और उस अध्ययन से जन्य कुशलता, व्याख्यान करने की जो कुशलता है वो पूरा का पूरा फल नहीं देगी, मुक्ति नहीं दे पाएगी। वह यथोक्त फलवत न भवत, यथोक्त फल वाली यानी आत्मा का साक्षात्कार करके जो मुक्ति रूपी फल है उसको नहीं दे पाएगी, इसलिए हम समता दिखा रहे को तो उसके समान ही है, भोग ही मिलेगा मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए हम बता रहे हैं। अब इसी बात को इत्याह, इसी बात को दिखा रहे श्लोक नंबर 61 का उच्चारण किया जाए। श्लोक नंबर 61, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञातेपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, अविज्ञाते परे तत्वे। अगर आपने शास्त्र का खूब अध्ययन जी तोड़ अध्ययन किया, बाल्यावस्था से ही शास्त्र के अध्ययन में लगे हो और तत्पर नहीं हुए, खूब आपने पढ़ लिया व्याकरण न्याय सांख्य योग मीमांसा वैशेषिक सभी दर्शनों को पढ़ा, लघु प्रस्थान बृहद प्रस्थान प्रौढ़ ग्रंथ
અને લઘુ પ્રસ્થાન ગીતા બ્રહ્મસૂત્ર ઉપનિષદ બૃહદ પ્રસ્થાન વિચિત સુખી ખંડન ખંડ ખાદ્યમ અદ્વૈત સિદ્ધિ ઓર ભી જો પ્રૌઢ ગ્રંથ હૈ બૃહદારણ્યક વાર્તિક સંક્ષેપ શારીરક સિદ્ધાંત લે સંગ્રહ નૈષ્કર્મ સિદ્ધિ એ સબ બડે બડે ગ્રંથો કો આપને પઢા ઠીક હૈ લેકિન અગર આપ તત્પર નહીં હુએ तत्व को आपने जाना नहीं, अविज्ञाते परे तत्वे, तत्व को आपने जाना नहीं, तो आपका ये जो शास्त्र का अध्ययन है ना, निष्फला, निष्फल हो गया। जैसे कोई व्यक्ति साल भर बहुत मेहनत किया और बाद में पता चला कि फेल हो गया, बोले भाई कैसा मेहनत तुम किए थे फेल हो गए, कैसे मेहनत किए कि तुम फेल हो गए, तुम तो कह रहे हो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे तत्पर होकर के आत्मा को जानना है। विद्वत्ता विद्वत्ता के हर जगह कहीं नहीं आएगा, विद्वान ही बन के रह जाओ भाई, आत्मा को जानो हर जगह। देखो आपको जगह जगह यही आए, आत्मा वारे द्रष्टव्य, ये पढ़े हो कि नहीं, ये तो जानते ही आप। आत्मा को जानना चाहिए, ऐसा थोड़ी एक शास्त्रम ज्ञातव्यम, शास्त्र को जान लो। अरे शास्त्र को जान लो थोड़ी कहा गया, आत्मा को जानो, आत्मा वारे द्रष्टव्य कहा गया। केवल शास्त्र को जान लो, शास्त्रम ज्ञातव्यम केवल ऐसा नहीं कहा गया है। इसलिए भाई साल भर अध्ययन करके हो, फेल हो रहे हो तुम, तो तुम्हारी जो है पढ़ाई जो है ठीक नहीं हुई, इसलिए शास्त्र का अध्ययन बेकार हो गया। और विज्ञाते भी परे तत्वे, अब जो है जान लिया आपने तत्व को, अब नौका से नदी पार हो गए, अब थोड़ी नौका में चढ़े रहो, आपका गंतव्य जो है विमान से आप चले गए कहीं, गंतव्य आ गया तो विमान से उतरोगे कि वही बैठे रहोगे, वही थोड़ी बैठे रहोगे कि आगे जाना है। अरे आपका गंतव्य आ गया, उतर जाओ। ऐसे तत्व को जान लिए तब आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, आगे क्यों पढ़ोगे, आगे शास्त्र का अध्ययन करना निष्फल है। अब इसकी व्याख्या कल की जाएगी, आज यहाँ पे ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति।